दीपक सर जीके में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक चौधरी आप लोगों के लिए जो आज आप लोग डिमांड किए हुए थे, बार बार डिमांड आ रहा था जो सर साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट डालिए, साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट डालिए, तो साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट मैं डाल रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा, जो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का जो कल एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का, उस स्टूडेंट में से जो भी स्टूडेंट मुझे सबसे पहले क्वेश्चन लेगा, तो सबसे पहले मैं तो उसका धन्यवाद करना चाहूँगा और उसका एनालिसिस के वक्त मैं उसका नाम भी लूँगा जो किसने मुझे क्वेश्चन भेजा है। तो आप मुझे जो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद जितना जल्दी हो सके व्हाट्सअप पर अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और मैं उसका एनालिसिस करके आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो आप लोगों का नंबर पता होना चाहिए, तो नंबर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8409711164। इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, 8409711164। आप लोग इसको क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पर या सॉरी व्हाट्सएप पे, और मैं इसका एनालिसिस करूंगा। या उससे पहले आप लोगों से पहले मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो गया तो मैं उससे एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे, और कोई ना कोई ऐसे ज़रूर स्टूडेंट होंगे जो मुझे क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास इस प्रकार है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो बीने ने किया था। किसने? बीने ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो सत्यापन, सत्यापन जो है आपको सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिभाशील बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संवेगात्मक परिपक्वता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, स्वर के विभिन्न पक्षों की संख्या क्या है? स्वर की विभिन्न पक्षों की संख्या 7 है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे स्वर का पक्ष माना जाता है? तो स्वदक्त, आत्मगौरव और आत्म पहचान, इनमें सभी होगा इसका आंसर। क्या होगा? इनमें सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसने टाइप सी व्यक्ति का आविष्कार किया था? टाइप सी व्यक्तित्व का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, बताइए इसका आंसर। फ्रीडमैन ने। किसने? फ्रीडमैन ने किया था। किसने किया था? फ्रीडमैन ने किया था, फ्रीडमैन ने किया था, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्वशील गुण और उपागम को केंद्रीय महत्व दिया था? तो आलपोर्ट ने। किसने? आलपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्तिगत मापन का आत्मबोध परीक्षण विकसित किया था? तो किसने किया था? हरमन रोसार्क ने। नाइन नंबर क्वेश्चन है, हरमन रोसार्क जो है, रोसार्क परीक्षण क्या है? रोसार्क परीक्षण आपको परकक्षेपी है। क्या है? परकक्षेपी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन है? तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक है? तो उत्पादन है जो आपको गिलफोर्ड सिद्धांत का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं? तो सामान्य बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? अपराध शास्त्र का पिता लोम्ब्राजो को कहा जाता है। किसको? लोम्ब्राजो को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, जब बंदूड़ा ने कहा कि बच्चों को असामाजिक व्यवहार सिखाते हैं, तो किसने कहा था? इनमें से कोई नहीं कहा था, इनमें से किसी ने यह नहीं कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, संवेदन मंदक और औषधियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पीड़ादायी प्रभाव को कम करना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अफीम से उत्पादन औषधि है? तो मॉर्फिन जो है आपको मॉर्फिन से उत्पादन औषधि है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव शल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया था? तो मानव शल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया था? इगास मोनिज ने, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आघात
चिकित्सा को किसने विकसित किया था? तो सॉरलेटी तथा बिन्नी ने, सॉरलेटी तथा बिन्नी ने। 19 नंबर है, कौन योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो योग के पिता के रूप में महर्षि पतंजलि जाने जाते हैं, महर्षि पतंजलि जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने सर्वप्रथम रूढ़ी रूढ़ी युक्तियों को प्रयोग किया था? रूढ़ी युक्तियों को किसने प्रयोग किया था? तो एफ पल्स ने, एल्फ पल्स ने, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, लियोन फेरिस्टंगर ने संज्ञात्मक आशुवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रक्रिया छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है? तो संगठन जो है प्रक्रिया छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है। 23 नंबर क्या है, संज्ञात्मक आशुवादिता से तात्पर्य क्या है? दो मानसिक दशाओं को विपरीत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, जो आपको चाटुकारिता पारस्परिकता तथा बहुअनुरोध प्रदिया क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन